नमस्कार, मैं समीक्षा आजकलnews.com में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। कोटा बैराज बांध से चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान स्वराज संगठन के बैनर तले चंबल नहर मुंडला पर संगठन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में दिए गए धरने के पश्चात कोटा के संभागीय आयुक्त KC मीणा ने चंबल दायनी नहर में पानी छोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी सूचना SDM रूपेश उपाध्याय ने संगठन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मीणा को फोन करके दी। सूचना आने के बाद ही वहां पर धरने पर उपस्थित बैठे क्षेत्रीय किसानों ने मिठाई के द्वारा वितरण करके धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। क्षेत्र के किसानों की नष्ट होती हुई धान की फसल को बचाने के लिए विगत कई दिनों से क्षेत्र के किसान पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। 4 सितंबर को सूखी पड़ी हुई चंबल नहर में किसान स्वराज संगठन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों ने सत्याग्रह करके एवं प्रदर्शन करके तहसीलदार बड़ौदा को ज्ञापन भी दिया था, जिसके पश्चात श्योपुर के कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को नहर में पानी छोड़े जाने की मांग में एक पत्र भेजा था, परंतु मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के शासन प्रशासन को इसकी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस दौरान किसानों को एक प्रतिमंडल पिपलौदा विधायक रामनारायण मीणा के साथ कोटा के क्षेत्रीय आयुक्त KC मीणा के साथ मुलाकात करके चंबल नहर में किसानों के लिए तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की गई, जिसके पश्चात शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किसान स्वराज संगठन ने अनिश्चितकाल धरने की घोषणा कर दी। चंबल नहर में पानी छोड़ने पर राधेश्याम मीणा ने सभी किसानों एवं युवाओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि किसानों की एकता का परिणाम कोटा नहर बैराज बांध प्रबंधन चंबल नहर में पानी छोड़े जाने पर विवश हुआ है। धरने स्थल पर हरी सिंह जारेला, बड़ौदा से जितेंद्र नागर की रिपोर्ट, समीक्षा।